ग्रेटर नोएडा के एचर गांव को हॉटस्पॉट बनाया गया, किया गया सैनिटाइज। नेताजी आज मैं एचर गांव में पहुंचा, देखा है सैनिटाइज हो रहा है। सर नमस्कार, तो मुझे बताइए। मेरा नाम संदीप भाटी, ग्राम एचर जी। नेताजी आज सैनिटाइज हो रहा है, इसके वजह से मुझे बताइए। जी सैनिटाइजर इसलिए कराया गया था क्योंकि आज हमारे गांव में दो लोग मिले थे पॉजिटिव, जो जमातियों में से मिले थे, दो लोग पॉजिटिव मिले थे, इसलिए आज मैंने सीओ साहब से बोला था तो उन्होंने आज सैनिटाइज करा दिया। क्या जमाती थे, इसी गांव के रहने वाले थे या बाहर से आकर रुके हुए थे? वो बाहर के रहने वाले थे, बस वो रेंट पर रहते थे। अच्छा अच्छा, तो कैसे मालूम पड़ा उनका? उनका उनकी जो है रिपोर्ट हुई थी। अच्छा, नहीं अच्छा रिपोर्ट। आज मैं ग्रेटर नोएडा के एचर गांव में बैठा हुआ हूं, संदीप भाटी जी के आवास पर उनसे मैं वार्ता कर रहा हूं। एक वो संस्था चलाते हैं सूर्योदय महासभा, सूर्योदय महासभा जो हमारे भाटी जी चलाते हैं, इसे मालूम करते हैं उनसे। भाटी जी आज हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, आप जो है एक संस्था चलाते हैं सूर्योदय महासभा, इसके जो है आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। संस्था का जो बायोलॉजी है उसमें क्या क्या है आपकी संस्था, एक तो मुझे ये बताइए, बाकी प्रश्न हम बाद में करते हैं। सर हमारा सबसे पहला एक मुद्दा है कि सबसे पहला हमारा मुद्दा है कि हम बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं जी। इस संस्था के द्वारा क्या क्या है मेन मुद्दे, जैसे बेरोजगारी खत्म करने किस तरह के वो चलेंगे आपके? जैसे कि मैंने आपको बता दी कि सबसे पहला मुद्दा हमारा बेरोजगारी खत्म करना है। जैसे कि कुछ लोग जो हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उन सबकी ड्यूटी लगाई जाए। अभी कोरोना चल रहा है, इसमें ये संस्था के द्वारा भी कुछ सहयोग दिया जा रहा है, जो लोग फंसे हुए उनके लिए क्या किया कुछ? जी जी जी, इसमें सब लोगों की मदद की जा रही है। ठीक है, आज जो है आज हमारा वो एक आपका स्कूल चलता है, आपने मकान भी किराए पर रखे, उसके विषय में बताइए, क्या जो किराएदार है उनके लिए क्या सुविधा की है? उन किराएदारों के लिए सबके लिए बिल्कुल जो है किराया माफ कर दिया गया है। अच्छा जी, और स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं? स्कूल में जो है बच्चों के लिए सबके लिए फीस माफ कर दी गई है। एक रसोई चल रही है सांसद जी की, जी जी जी, उसके विषय में बताइए, उसमें क्या सहयोग कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं आपके? माननीय सांसद जी जो है हमारे बहुत ही आदरणीय हैं, और उनके नाम से जो काफी ग्रेटर नोएडा में काफी जगह, नोएडा में काफी जगह उन्होंने बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। वो गरीबों के मसीहा हैं और गरीबों की मदद करते हैं। उसमें जो रसोई चली उसमें भी आप अपना समय व्यतीत करते हैं, जाके देते हैं कुछ समय जनता की सहायता के लिए? जी 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 जी, हाँ हम भी पूरा सहयोग करते हैं उसमें। लगभग कितने लोगों को खाना वितरित होता है ग्रेटर नोएडा में? आज की रसोई में करीब करीब 500 से 600 लोगों के लिए सुबह के टाइम और शाम के टाइम दोनों टाइम खाना वितरित होता है। भाटी जी मेरा एक सवाल और है आपसे, आपने स्कूल की फीस माफ करी है, बीच में कुछ चर्चा चली थी कि कुछ स्कूलों ने पेरेंट्सों के पास वो भेजते हैं फीस की जो स्लिप भेजते हैं एसएमएस के माध्यम से, आपने तो स्कूल की फीस माफ कर दी, इसमें और स्कूलों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ, मेरा यही सबसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं यही विनती करता हूँ कि जो हमारी अभी महामारी चल रही है उसमें लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है जी, ये सभी लोग समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ इस चीज का बिल्कुल ध्यान करा जाए जी, इस चीज का बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा ध्यान रख के, और कम से कम 3 महीने की फीस तो माफ होनी चाहिए, 3 महीने की फीस माफ होनी चाहिए। जी जी ठीक ठीक। चलते चलते मैं एक प्रश्न और आपसे करना चाह रहा हूँ, गर्मी है, अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, टेम्परेचर भी एवरेज 38-40 के करीब जा रहा है, क्षेत्र में देख लेंगे हम, घर से बाहर निकलने में परेशानी होती है, हमारे सुरक्षा जवान इस तपतपाती हुई धूप में अपनी ड्यूटी को कर्तव्य को निभा रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि बहुत ही मैं बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ लोगों का, सामाजिक संगठन लगे हुए हैं उनके लिए भी आप दो शब्द बोलिए। हाँ सामाजिक संगठन के लिए है कि उन्होंने जैसे कि डॉक्टर हाँ पुलिस वाले हो गए हमारे, और आपका प्रशासन तो हो ही गया उसमें, हाँ जितने भी लोग ये मतलब बहुत ही ज्यादा संघर्षशील कर रहे हैं सबके लिए मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ।